ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर, जहां नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, मुठभेड़ में 22 जवान शहीद। न्यूज 18 से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 20 और शहीदों के शव मिले हैं। घटनास्थल के आसपास कल 2 शहीदों को मिलाकर कुल 22 जवान शहीद हुए, अभी भी एक जवान लापता है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के रायपुर से 22 जवान शहीद। 18 न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव ये जानकारी, 22 जवान शहीद हुए हैं मुठभेड़ में। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने न्यूज 18 से कहा कि 20 और जवानों के शव मिले हैं। कल 2 शहीदों को मिलाकर कुल 22 जवान शहीद, एक जवान अब भी लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। तीन तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, राजकीय सम्मान के साथ अब इन जवानों की पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव, उनके घर भेजा जा रहा है। एक जवान लेकिन अब भी लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, 20 और शहीदों के शव मिले हैं। कल 2 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद 20 और जवानों के शव मिले हैं। घटनास्थल के आसपास ये शव मिले हैं और एक जवान अब भी लापता है। न्यूज 18 से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी साझा की है। मुठभेड़ में, नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और इसमें 22 जवान शहीद। कल 2 शहीदों के की पार्थिव देह, 2 शहीदों के शव मिले थे और जिसके बाद उसी घटनास्थल पर आसपास की जगहों पर 20 और जवानों के शव मिले हैं और एक जवान अब भी लापता है जिसकी तलाश सेना कर रही है। बड़ी खबर। और इस हमले के बाद, इस शहादत के बाद ट्वीट तमाम प्रमुख चेहरों का, अपनी संवेदनाएं प्रकट की, जवानों को श्रद्धांजलि दी। नक्सली हमले में ये जवान शहीद हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट और गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ में 22 शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपनी श्रद्धांजलि इन शहीदों को अर्पित की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत कष्टदायक है। लोकतंत्र की रक्षा में स्वयं को उत्सर्ग करने वाले वीरों को नमन। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लादूलाल पीतलिया को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीतलिया पर नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। साड़ा विधानसभा उपचुनाव का जो मामला चला, निर्दलीय उम्मीदवार लादूलाल पीतलिया का जिस तरह से नामांकन वापस हुआ, जो जोर जबरदस्ती हुई, जो धमकी दी गई, डराया गया और उसके बाद नाम वापस लेने के बाद उनके बेटे का ये कहना कि हमारे बेंगलोर के बिजनेस सेंटर आज तक नहीं खुले हैं, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। फिर लादूलाल पीतलिया का ये कहना कि मेरे परिवार को बचाने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए मैंने नाम वापस लिया, कि मैंने मेरे परिवार को बचाने के लिए, मैं क्या मेरा गला कटवा लूं क्या, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनको डरा धमका कर प्रेस के सामने लेकर आए और वो प्रेस में सामने आकर ये कहे कि मेरा ऐसा, मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं किया। तो वीडियो में तो दिख रहे हैं, ऑडियो में उनकी आ गई, उन्होंने पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री जी को। अब जो भी सारा मामला सामने आया उसमें अब बीजेपी इस काम में लगी हुई है पिछले 3-4 दिन से कि कैसे भी लादूलाल पीतलिया पे पूरा दबाव बनाकर प्रेस के सामने लाकर यह कहलवाया जाए
कि ये सारा मामला जो हुआ है मैंने दबाव में नहीं किया, मैंने मेरे मन से किया है। बीजेपी अखबार में प्रलोभन देती है, कहती है उन्हें इनाम दिया जाएगा नाम वापस लेने का, उनको पद दिया जाएगा। मैं आज कह रहा हूं बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे विपक्ष के नेता हो, इनकी अंतरात्मा मर चुकी है। केंद्र की सरकार जिस तरह से एजेंसियों के दम पर, और वहां पर तो ये हो रहा है, बेंगलोर में तो कह रहे हैं कि प्राइवेट लोग उनको उनके प्रतिष्ठान नहीं खोलने दे रहे। मुझे दुख इस बात का, इलेक्शन कमीशन कहां पर है? एक प्रत्याशी जिसका नामांकन वापस हो जाता है उसके बच्चों के, उसके खुद के बयान इस तरह के आ जाते हैं, नामांकन वापस हो जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर्स हैं, उनको बुलाए, बुलाकर बयान ले, और इस तरह की घटना सत्य होती है तो फिर इलेक्शन